नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौसम पवार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले कि RPM क्या होते हैं। जी हाँ, अगर आपने टू व्हीलर गाड़ी या फिर फोर व्हीलर गाड़ियों के मीटर अगर आपने देखे होंगे तो आपको जो है दो मीटर शो होते हैं, एक जिसमें RPM मीटर होता है और दूसरा जो आपकी स्पीड को इंडिकेट करता है। तो आज हम यही बात करने वाले कि RPM होता क्या है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, RPM के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि RPM होता क्या है। तो देखिए, RPM का जो फुल फॉर्म है वो है रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर रोटेशन पर मिनट भी इसे कहा जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में जो है पिस्टन लगा हुआ है, आपकी गाड़ी की इंजन में पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन जो एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और शाफ्ट जो है एक क्रैंक से जुड़ी होती है। जब जब जैसे जैसे आप गाड़ी को एक्सलरेट करते हैं, पिस्टन उतनी तेज़ी के साथ जो ऊपर नीचे होता है, शाफ्ट उसके साथ में वर्क करती है और शाफ्ट जो है क्रैंक को घुमाती है। अब जब शाफ्ट जब क्रैंक को घुमाती है तो ये चीज़ आप देख नहीं सकते कि शाफ्ट कितनी तेज़ी से घूम रही है। तो उसी के लिए जो है RPM मीटर का जो यूज़ किया जाता है। आइडियली अगर आप देखेंगे RPM मीटर, अगर आप देखते हैं मान के चलिए मोटरसाइकिल का RPM जो कि 12 या फिर 13 14 15 16 तक के का रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 आप कर दीजिए उसको। अब क्या होगा, आपकी गाड़ी मान के चलिए आपने स्टार्ट करी गाड़ी, आपने रेस रेस गाड़ी को एक्सीलरेट बिल्कुल भी नहीं किया, तो आपका इंजन जो है 1000 RPM पे रहेगा। मतलब कि 1000 RPM पे है, इसका मतलब कि जो क्रैंक जो है आपकी गाड़ी की इंजन में जो क्रैंक लगी है वो एक मिनट में 1000 बार जो है घूम रही है। ठीक है, समझिएगा बात को कि एक मिनट में जो है वो क्रैंक 1000 बार घूमती है। जैसे कि आपने कई गाड़ियों में देखा होगा कि जो गाड़ी की जो पावर जो बताते हैं, मान के चलिए कि 80 PS की पावर गाड़ी देगी तब 7500 RPM पर। तो जब आपकी गाड़ी, अगर मान के चलिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो 7500 RPM पर जब आप जब गाड़ी को एक्सलरेट करोगे तो आप मान के चलिए कि 7500 बार जो है वो क्रेन घूम रही है सिर्फ एक मिनट में। सिंपल सा बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप क्रेन को घूमता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि वो इंजन के अंदर लगी हुई है, पर आप जो उसको डिस्प्ले पे आप ये देख सकते हैं जो क्रैंक जो घूम रही है वो क्रैंक जो है कितने बार घूम रही है। सीधा सा फंडा यही है कि आप RPM से वो देख सकते हैं कि कितने बार जो है आपकी क्रैंक जो है घूमती है। RPM में भी देखिए आपको जो है दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर बाइक का अगर RPM मीटर अगर आप देखेंगे तो वो आपको 11 12 13 14 15 ऐसे नंबरों पे मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 में। पर अगर आप यहीं अगर आप जो है कोई बड़ी गाड़ी का अगर आप देखते हैं तो वो आपको, जैसे कि मान के लिए अगर आप कोई कार का देखते हैं तो आपको जो डीजल का जो है वो आपको 6 या 7 तक के का मिलेगा, ठीक है, 6 या 7 पॉइंट तक के का आपको RPM मीटर मिलेगा। और वहीं अगर आप पेट्रोल में देखेंगे तो 7, 8 या 9 तक के का आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जितना छोटा इंजन होता है वो उतने हाई RPM तक के जा सकता है, ठीक है, पर बड़े इंजन को जो है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो है अगर आप अगर कभी नोटिस करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो बाइक के जो RPM है वो ज़्यादा नंबरों तक के आपको मिल जाएंगे देखने को। पर अगर वहीं अगर आपके पास एक फोर व्हीलर है तो उसमें आप जो RPM देखेंगे, RPM के जो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो मोटरसाइकिल की अपेक्षा आपकी जो फोर व्हीलर है उसमें आपको वो कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही होता है RPM। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, RPM का देखिए फुल मतलब यही है, पूरा का पूरा जो मतलब अगर कहा जाए RPM का तो वो यही निकलता है कि RPM जो है अगर आपके इंजन के अंदर जो शाफ्ट जो घूम रही है वो कितने बार घूम रही है आपकी शाफ्ट, यह आपको जो है डिजिटली तौर पर जो है आपको आपके जो मीटर है गाड़ी का उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई वो बहुत आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को आप कमेंट करिएगा और आप जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।